बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक और भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के अलग होने की खबर काफी समय से आ रही थी। अब इस कपल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर अलग होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या के अलग होने की खबर से उनके तमाम चाहने वाले फैंस को झटका लगा है। बताते चले, नताशा स्टैनकोविक हाल ही में अपने पेरेंट्स के घर चली गयी थी। वहीं हार्दिक पांड्या ने अपनी फैमिली के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को अटेंड किया था। आइए जानते हैं कि नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या ने अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है। नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सेम पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में लिखा है, 4 साल साथ में रहने के बाद हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की और इस रिश्ते को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब हमें लगता है कि हम दोनों के लिए ये सही फैसला है। ये हमारे लिए बेहद ही मुश्किल फैसला था। साथ में बिताए खुशी के पल, आपस की रिस्पेक्ट और एक दूसरे का साथ, जो भी हमने साथ में बिताया है और एंजॉय किया है, एक फैमिली के तौर पर आगे बढ़े। हम बेटे अगस्त्य को अपनी लाइफ में पाकर खुशकिस्मत है, जो हमेशा ऐसे ही हमारी जिंदगी का आधार रहेगा। हम दोनों ही मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और उसकी खुशी के लिए हम जो कर पाएंगे वो करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट मिलेगा और आप इस मुश्किल घड़ी में हमारी प्राइवेसी को समझेंगे। फिलहाल हार्दिक और नताशा की ब्रेकअप पर हम तो बहुत दुखी हैं। आपका इस पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।